हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं शुरुआत कर रही हूँ लंच रूटीन से। तो अभी मैं कुछ देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल कट कर रही हूँ और आज है वीकेंड का स्पेशल डे, तो स्पेशल डे के लिए स्पेशल लंच तो बनाना बनता है। तो आज संडे का दिन है और ये संडे का क्लिप है और आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल सा लंच रेसिपी। और बता दूँ मैं आपको क्या बनाने वाली हूँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो ये सच में गाइस बहुत इजी है इसको बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा यमी है, टेस्टी है और सभी को पसंद आने वाली है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, मैंने 3 से 4 छोटी छोटी साइज़ के प्याज को कट कर लिया है, देखिए। और लिया है मैंने कैरेट, यहाँ पर मैंने 1 कैरेट लिया है, उसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। और लिया है मैंने बीट रूट इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमें सारी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद आए वो सारी वेजिटेबल आप कट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस कैबेज का भी लिया है, मेरे पास जो भी वेजिटेबल थी वो मैंने सारी यूज़ की है पाव भाजी के लिए। कैबेज, बीटरूट, कैरेट, मटर और आलू भी लिए हैं। आलू मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पाव भाजी का, जो आप जानते ही होंगे। तो मैं सारी वेजिटेबल जो है वो प्रेशर कुकर में रख दूंगी, इनको मुझे 3 विसल हाई फ्लेम पर लगाना है, उसके बाद फिर मुझे ऐसे ही छोड़ देना है एंड अपने आप उसकी जो गैस है वो लीक होने देनी है। तो यहाँ पर मैंने मटर भी डाल दिए हैं, ये फ्रेश मटर है, फ्रोज़न मटर नहीं है, फ्रेश मटर है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 छोटे साइज़ के आलू, अभी जो न्यू आलू आ रहे हैं, अभी आप विंटर में आलू की वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो बस वही वाले आलू मैंने यूज़ किए हैं। उनके जो छिक्कल होते हैं वो मैंने अच्छे से पील कर दिए हैं। तो बस आलूओं को इस तरीके से हमें कट कर कर और बॉईल करना है। तो बस यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर 3 विसल मुझे लगा लेना है। तो सारी वेजिटेबल हमारी कुक हो रही हैं, बॉईल हो रही हैं, जब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इनको मुझे अच्छे से चॉप कर लेना है। टमाटर हम जब इनको असेंबल करेंगे पाव भाजी को, तब हम टमाटर यूज़ करेंगे। तो बस इसको हमें ऐसे ही डाल देना है। और हाँ गाइस, मैंने वेजिटेबल जो बॉईल करने के लिए रखी है उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था, वो मैं आपको बताना भूल गई। इसलिए जब भी आप वेजिटेबल बॉईल करो, वेजिटेबल के हिसाब से थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए, ताकि वेजिटेबल जो है वो अच्छे से गल जाए। ओके, और यहाँ पर साइड बाय साइड मैं बना रही हूँ दलिया। और दलिया जो है वो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मीठा दलिया है, इसकी रेसिपी मैं आप सभी लोगों को बहुत सारे टाइम बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करूँगी। और पाव भाजी के साथ साथ मेरे पापा और मम्मी जी को, दोनों लोगों को कुछ इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि उनका थोड़ा सा पेट भर जाए। यू नो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना चटोरपंती वाली, वो हम लोगों को पसंद आती हैं। हमारे घर के जो बड़े होते हैं उनको स्पेशली खाना ही पसंद आता है। आई होप मैं सही कह रही हूँ कि आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है जैसा मेरे घर में है। हमारे घर में इस तरीके से फास्ट फूड मैं जो भी बनाती हूँ ना, वो स्पेशली मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही खाते हैं। मेरे पापा मम्मी को थोड़ा सा घर का खाना चाहिए ही चाहिए। ओके,
तो बस यहाँ पर जो वेजिटेबल हैं वो देखिए अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। देखिए अब हम इसको मैश कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से मैश हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ, जब हमें बाद में यूज़ होगा तब हम इसको डालेंगे। देखिए ये पानी को हम साइड पर रख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा हमें बाद में। तो बस इसको, मेरे पास ना मैशर नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से एक स्पून के वाया ना इसको मैं मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास भी मैशर नहीं है तो आप स्पून के वाया इसको इस तरीके से कुकर में मैश कर दीजिए, बहुत ही इजी वे में मैश हो जाता है गाइस। और अगर आपके पास मैशर है तो वेल एंड गुड, उससे और भी ज़्यादा अच्छे से मैश होगा, बट इससे भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश हो गया है। तो फाइनली ये हमारा पाव भाजी का बेस बनकर रेडी है, और अब हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बटर लिया है, और ये मेरा होममेड बटर है, तो बस मैंने थोड़ा सा बटर एंड ऑयल दोनों ही लिया है। अगर आप बटर से बनाना चाहते हो तो आप ओनली बटर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही लेना है, ओनली ऑयल भी ले सकते हो एज योर चॉइस। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है लाल मिर्च का और गार्लिक का। तो बस जीरा हमारा थोड़ा सा चटक जाए, उसके बाद फिर हमें डालना है ऑनियन, और कुछ ऑनियन मैंने बचा ली है, वो आगे उसका यूज़ होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस ऑनियन को हमें क्या करना है, अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑनियन हल्का सा पिंक पिंक ना हो जाए, क्योंकि पाव भाजी में जो है ना कोई भी वेजिटेबल को ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। तो ये देखिए हमारी ऑनियन भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर और गार्लिक को मैंने मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है अच्छे से। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद गाइस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पाव भाजी स्ट्रीट पर खड़े हों। और बस इसके बाद फिर मैंने डाल दिया है ये लाल मिर्ची, धनिया और ब्लैक पेपर का पेस्ट। अगर आपको ये पेस्ट बनाना है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मली लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ले लीजिए और थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपके पास रेडीमेड है तीनों के पाउडर तो आप एक बाउल में एक एक चम्मच लेकर और पानी डालकर घोल बनाकर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी और टमाटर डाल दिए हैं, अच्छे से हमें इनको कुक कर लेना है। और ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ पाव भाजी मसाला। और पाव भाजी मसाला हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि आगे भी हम यूज़ करेंगे। और पाव भाजी मसाला डालने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस अब हमें क्या करना है, अगर आपकी कढ़ाई नॉनस्टिक नहीं है तो आप मैशर से इसको मैश कर सकते हैं, बट मेरी जो कढ़ाई है वो नॉनस्टिक कोटिंग वाली है, इसलिए मैं इसी से मैश कर रही हूँ स्पैचुला से। तो मैश करने के बाद यहाँ पर हमने जो पाव भाजी का बेस बनाकर रेडी किया था उसको हमें डाल देना है। और ये देखिए इस तरीके से, आप चाहो तो ये जो हमने वेजिटेबल का जो मिक्सचर बनाया है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, जब भी आपको खानी हो पाव भाजी तब आप इसको इस तरीके से मसाला बनाकर यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, बट ये टोटली बेस है। ओके, तो इसको आप फ्रीज़र में 7 से 8 दिन तक आराम से रख कर खा सकते हो, कोई भी इसको हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में, बाहर नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारी वेजिटेबल का जो मिक्सचर था यानी कि पाव भाजी का बेस हमने डाल दिया है, अब हमें इसको स्पैचुला से इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स करना है मसाले में। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश कीजिए, अगर आपकी जो कढ़ाई है वो नॉनस्टिक नहीं है तो, अगर आपकी कढ़ाई नॉनस्टिक है तो आप इस तरीके से मैश कीजिए।
और देखिए अब हमने जो पानी बचाया था वेजिटेबल का वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली रखनी है ताकि हम जब भी पाव भाजी खाएं तो बन में लेकर हम जब भाजी को खाते हैं तो वो इसकी कंसिस्टेंसी कम से कम इतनी हो कि वो बन में अच्छे से उसका जो फ्लेवर है वो ऑब्जर्व हो जाए। अगर हम ज़्यादा थिक रखेंगे तो वो बन के अंदर भाजी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर जितना भी पानी बचाया हुआ था वो मैंने सारा डाल दिया है और मुझे यहाँ पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से मैश करते हुए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। और गाइस इतनी टेस्टी पाव भाजी बनी थी, बहुत ज़्यादा इजी है रेसिपी, आप बना सकते हो। अभी विंटर में बहुत सारी वेजिटेबल आपके घर में रखी रहती हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। थोड़ी देर मैंने यहाँ पर ढककर कुक किया है और यहाँ पर देखिए साइड बाय साइड जो फ्राई पैन होता है उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी। ऑयल को अच्छे से कुक कर लिया है मैंने, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑनियन। देखिए आप देख सकते हो ऑनियन को हमें अच्छे से ऑयल में कुक करना है, और जब तक कुक करना है जब तक कि ऑनियन अच्छे से भुन ना जाए। ऑनियन हमारी अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फ्लेम आप लो रखिएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी पाव भाजी मसाला डाल देंगे। इसीलिए मैंने कहा था पाव भाजी मसाला शुरुआत में अब थोड़ा सा कम डालिए, क्योंकि कुछ क्वांटिटी हमें यहाँ पर डालनी होती है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको इस तरीके से कलर नहीं चाहिए तो आप सिंपली ऐसे ही डाल सकते हो, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, या तो फिर मत डालिए। और बस अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि एकदम दानेदार मसाला ना हो जाए। तो देखिए ये हमारा फ्राई रेडी है, इसको मैंने भाजी में डाल दिया है और अब ये देखिए हमारी फाइनली पाव भाजी बनकर रेडी है। देखिए इसका कलर टेक्सचर बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है गाइस। और मैं आपको सिर्फ बता नहीं रही हूँ, सच में बनी थी गाइस। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और साथ ही साथ मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जब भी आपको वीकेंड स्पेशल बनाना हो तो आप इस तरीके से पाव भाजी घर पे बनाइए, हेल्दी चीज़ है और आपको काफ़ी पसंद भी आती है। देखिए तो यहाँ पर मैंने भाजी बनाकर रेडी कर ली है, अब मैं क्या करूँगी बन को फ्राई कर लूँगी। तो बन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये राउंड बन है, इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। देखिए तो आपके पास जो भी बन अवेलेबल हो इसको आप बीच से कट कर लीजिए जिस तरीके से मैंने किया है। और एक हमें फ्राई पैन लेना है, या तो फिर आप तवा ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर, और बटर के साथ साथ थोड़ा सा हमें ऑयल भी लेना है, क्योंकि सिर्फ बटर लोगे तो थोड़ा सा बटर जल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ किया है। ऑयल डाल देने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ी सी अमाउंट ऑफ भाजी डाल देनी है। भाजी को अच्छे से ऑयल बटर में मिक्स करके और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब हमें बन को इनमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, बन को फ्राई करते टाइम ना इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करते हैं और थोड़ा सा जीरा और धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। बट यहाँ पर देखिए हमने भाजी यूज़ की हुई है तो हमारे बन के अंदर जो भाजी का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो गया है। और बन को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और फाइनली हमें पाव भाजी को सर्व करना है बन के साथ, अनियन के साथ, थोड़ी सी सैलेड है,
लेमन है, और ये देखिए गर्मा गर्म एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी बनकर रेडी है। तो गाइस आप भी ट्राई कीजिए और आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और गाइस अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एप्पल शेक, क्योंकि थोड़ा सा तेल मसाला खाने के बाद मेरा मन हुआ कुछ इस तरीके से हेल्दी खाने का। तो यहाँ पर कुछ एप्पल पड़े हुए थे मेरे पास, तो एप्पल को मैंने कट कर लिए हैं और मैंने पानी में रख लिए हैं, और एप्पल के जो छिलके होते हैं इनको मैंने नहीं निकाला है। जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगी कि हाँ निकालना है वहीं पर निकाला है, बाकी उसके जो बीज होते हैं सीड्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और बस इस तरीके से कट करके हमें मिक्सचर जार में ले लेना है। और ये जो शेक होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, विंटर में आप बना सकते हो, समर में बना सकते हो, जब भी आपका मन करे, क्योंकि एप्पल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सचर के जो जग में ले लिया है एप्पल, उसमें डाल दिया है थोड़ी सी शुगर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वैनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो, और नहीं है अगर आपके पास तो आप मत डालिए, जो भी आपके पास एसेंस अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और मैंने ले लिया है ये दूध, और ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, फुल फैट दूध है। और अगर समर है तो आप ठंडा दूध ले सकते हो, या तो फिर इसमें आइसक्रीम डाल सकते हो या आइस क्यूब डाल सकते हो, बट अभी विंटर है तो विंटर के हिसाब से हम यहाँ पर शेक बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं पानी ले लूँगी और बस अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जब तक कि जो एप्पल के जो चंक्स है ना वो अच्छे से रिमूव ना हो जाएं। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहो तो इसमें एलमोंड डालकर भी सर्व कर सकते हो, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप थोड़े से इसमें ग्राइंड कर लीजिए, बट मैंने नहीं किए हैं। यहाँ पर मैं अलग से इसको ऊपर से डेकोरेट करूँगी ताकि खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है एप्पल शेक और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और बस इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से चॉप्ड एलमोंड। आप जो भी अपने फेवरेट जो भी आपके ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हो। इस तरीके से रेसिपी बना कर ना बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और हम बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए हमारा शेक रेडी है, बहुत ज़्यादा यमी है गाइस देखिए, और बच्चों को भी पता नहीं चलता है कि वो छिलके के साथ एप्पल खा रहे हैं, साथ ही साथ दूध भी एंजॉय कर रहे हैं। तो श्रेय को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और श्रेय के साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये एप्पल शेक। तो हम लोगों ने तो एंजॉय किया एप्पल शेक। आप भी बनाइए रेसिपी, ट्राई कीजिए अपने घर पर और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी पाव भाजी और एप्पल शेक दोनों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि उनको भी पता चले हम इस तरीके से हेल्दी चीज़ें किस तरीके से घर पे बना सकते हैं इजी वे में। तो गाइस यही तक था आज का मेरा ये व्लॉग। अगर आपको आज की मेरी बताई हुई रेसिपी और व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे रेसिपी के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।